आज हम बात करेंगे डैशबोर्ड ओवरव्यू के अबाउट। डैशबोर्ड के अंदर दो तीन ऑप्शंस है, होम का और जनरल इंटरफेस के अबाउट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डैशबोर्ड ओवरव्यू के अबाउट। डैशबोर्ड के अंदर दो तीन ऑप्शंस है, होम का और जनरल इंटरफेस के अबाउट। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ चुके हम डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे एक वर्डप्रेस का आइकन है और यहाँ पे वर्डप्रेस से रिलेवेंट तमाम ऑप्शंस मौजूद है, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट या फीडबैक या वर्डप्रेस का ORG जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके अबाउट कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जाके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हमारी वेबसाइट का जो नाम है वो आ रहा है और नीचे ऑप्शन आ रहा है विजिट वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट को विजिट करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऐप इसको ओपन करेंगे तो आपका जो वेबसाइट का फ्रंट एंड है वो ओपन हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कमेंट्स का और यहाँ पे भी ऑप्शन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और न्यू पोस्ट, मीडिया पेजेस और यूजर्स, यहाँ पे शॉर्टकट है इस पर, यहाँ पे भी ऑप्शन है, इनको हम डिटेल के अंदर आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। राइट साइड के ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं लाइक एडमिन, प्रोफाइल और लॉग आउट। अब जो हमारे पास हमारे जिसके ऊपर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, अगर मैं इसको एडिट प्रोफाइल करूँ तो यहाँ पे बेसिकली मैं अपने अबाउट या जो वेबसाइट का एडमिन है उसके अबाउट इन्फॉर्मेशन पुट कर सकता हूँ, उसका नाम, लास्ट नेम, निक नेम और उसका ईमेल, जो कि यूजर्स को नजर आएगा फ्रंट एंड के ऊपर, राइट। इसको आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। तो ये ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शन है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास सबसे ऑप्शन है डैशबोर्ड का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास अगेन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पे हमारी वेबसाइट का कंप्लीट जो है वो बेसिक से एनालिसिस नज़र आ जाता है हमें कि हमारी वेबसाइट का जो करंट वर्जन है वो कौन सा है, वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन 6.0 है, कुछ बेसिक न्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी साइट की हेल्थ है जिसकी इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमने जस्ट इंस्टॉल किया और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे है। और यहाँ पे एट ए ग्लांस कितनी पोस्ट है हमारी वेबसाइट के अंदर, कितने कमेंट्स हैं, कितने पेजेस हैं, ये बेसिकली एक क्विक ओवरव्यू है हमारी कंप्लीट वेबसाइट का इस सेक्शन के अंदर, राइट। कितने कमेंट आए, लेटेस्ट कमेंट्स कौन से हैं, लेटेस्ट न्यूज़ कौन सी हैं। अगर आप इनको चाहें तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं और इनकी जो एडजस्टमेंट है उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज इनको मैं क्लोज करता हूँ इस तरह से, तो हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से साफ हो जाता है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास अपडेट्स का। अपडेट्स के ऊपर हम आते हैं। अपडेट्स यहाँ पे अगर हमारी वर्डप्रेस, लेट्स सपोज अभी राइट नाउ 6.0 है, अगर वर्डप्रेस चंद आने वाले दिनों में 7.0 आ गया, लेटेस्ट अपडेट आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि वर्डप्रेस को आप अपडेट कर सकते हैं और सिंपल यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास अपडेट का। हम सिंपल क्लिक करेंगे और हमारा वर्डप्रेस जो अपडेटेड वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हमने कोई भी थीम या प्लगइन या कोई भी चीज़ की अपडेट रिक्वायर्ड हुई तो वो तमाम इस सेक्शन के अंदर हमें यहाँ नज़र आ जाएंगी कि किन किन चीज़ों की अपडेट रिक्वायर्ड है। प्लगइन्स की अपडेट इसके नीचे आ जाएगी, थीम्स की अपडेट इसके नीचे आ जाएगी। जस्ट आपने क्लिक करना है और आपका जो थीम पर्टिकुलर या प्लगइन या पूरा वर्डप्रेस अपडेट होने वाला हुआ वो जस्ट वन क्लिक के जरिए अपडेट हो जाएगा। ये कुछ छोटे से ऑप्शंस थे जो हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट पोस्ट के अबाउट, राइट। तो तब तक सीखते रहिए, मिलते हैं इंशाल्लाह।